हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स के बारे में। कैसे एक फ्रेशर को, एक एक्सपीरियंस को कैसे रिज्यूमे बनाना चाहिए ताकि वो उस कंपनी के लिए, जिस भी कंपनी के लिए, जिस भी जॉब रोल के लिए वो अप्लाई कर रहा है, वो उसका सेलेक्ट हो जाए। तो रिज्यूमे का एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है, रिज्यूमे इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट डेट अ जॉब एप्लीकेंट क्रिएट्स टू आइटमाइज देयर क्वालिफिकेशंस फॉर अ पोजिशन इन अ कंपनी। ठीक है, तो इसके बारे में हम फुल डिटेल जानेंगे, हार्वर्ड का डॉक्यूमेंट से जानेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फुल वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप अपने इस चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे डेली नए नए जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड अपडेट्स आ जाता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आगे चल के और नए नए कंटेंट्स इसमें ऐड करूँगा, बट अभी आप अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ रिज्यूमे का, तो आज के टाइम में जो रिज्यूमे है वो फ्रेशर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस पर्सन को, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ऑलरेडी पता होता है कि कैसे रिज्यूमे बनाना है या आगे उसको क्या क्या ऐड करना है, बट एज अ फ्रेशर आपके लिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, क्या क्या आपको ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही मैं आज आपके सबके सामने लेकर आ गया हूँ। एक हमारे पास में साइट है, श्री रिज्यूमे। आप यहाँ पर से रिज्यूमे देख सकते हैं, मीन्स बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पर रिज्यूमे हैं। एक ये मतलब आप टोटल 6-7 टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पर से अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, बट इससे पहले मैं हार्वर्ड का एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे रिज्यूमे क्रिएट किया जाता है। ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, OCS रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स, ये हार्वर्ड का है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। वहाँ के जो स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट ट्रेनी को जो प्रोग्राम, मतलब जो रिज्यूमे जैसे सिखाया जाता है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, कैसे बनाना है वो सारा कुछ बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ जो स्टार्टिंग करता है वो बताता है कि क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे, बिकॉज अ रिज्यूमे इज अ कॉन्साइज एंड इन्फॉर्मेटिव समरी ऑफ योर एबिलिटीज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये आप समझ सकते हैं जो दो लाइन लिखा हुआ है कि अ रिज्यूमे इज अ कॉन्साइज इन्फॉर्मेटिव समरी ऑफ योर एबिलिटीज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यही जो चार पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एबिलिटीज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और जो इन्फॉर्मेटिव समरी, कंसाइज एंड इन्फॉर्मेटिव समरी, ये आपका टोटल रिज्यूमे होता है। ठीक है, रिज्यूमे का कुछ टिप्स दिया हुआ है, क्या लैंग्वेज आपको यूज़ करना है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करना है और क्या क्या उसमें ऐड करना है, वो सारा कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे बताया हुआ है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं, पहला आपका रिज्यूमे का जो मिस्टेक्स होते हैं जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप वर्ड को चेक कर लो, क्योंकि अगर किसी कंपनी में भी जाता है, खास करके MNCs में, और अगर वहाँ पर आपका स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर एरर होता है, ग्रामर मिस्टेक होता है, तो वो बहुत गंदा इम्पैक्ट डालता है फ्रेंड्स। सेकेंड है हमारे पास में मिसिंग ईमेल एंड फ़ोन इन्फॉर्मेशन। आज के टाइम में अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एक फॉर्मल तरीका है अप्लाई करने का, वो है हमारा ईमेल और फ़ोन नंबर, फ़ोन का इन्फॉर्मेशन देना, जो कि स्टूडेंट का गलत हो जाता है। या तो गलत ईमेल या तो फिर फ़ोन नंबर का इन्फॉर्मेशन वो छोड़ देते हैं, मीन्स फ़ोन का इन्फॉर्मेशन ही वो छोड़ देते हैं। थर्ड है हमारे पास में यूजिंग पैसिव लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ एक्शन वर्ड्स। फोर है हमारे पास नोट वेल ऑर्गेनाइज्ड, कॉन्साइज और इजी टू स्कीम। फिफ्थ है नोट डिमॉन्स्ट्रेटिंग रिजल्ट और सिक्स्थ है टू लॉन्ग। मीन्स आपका जो रिज्यूमे है वो मैक्सिमम 1 to 2 पेजेस का होना चाहिए, मीन्स 1 से 2 पेज तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कुछ यहाँ पर डू एंड डोंट्स बताया गया है, मतलब क्या आपको नहीं करना है, पहले मैं वो बता दूँ आपको। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आपको पिक्चर इंक्लूड नहीं करना है, आपका जेंडर नहीं बताना है, आपको कोई लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ डू में दिया हुआ है कि आपका जो हेडलाइन है सच एज एक्सपीरियंस, वो आपका इम्पॉर्टेंट मतलब कवर करता है।
इसके बाद में मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे एक्शन वर्ब्स बताया गया है रिज्यूमे में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सच एज आपको लीडरशिप के लिए यूज़ कर रहा है, मीन्स आप बताना चाहते हैं कि यू आर अ गुड लीडर, तो आप इन सब वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेवलप्ड, इम्प्रूव्ड, इंक्रीज्ड, स्ट्रेंथेंड, लेड, प्रोड्यूस्ड, प्रूव्ड, आप ये वर्ड देख सकते हैं। आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यूज़ करना है, वर्ब्स यूज़ करना है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ड्राफ्टेड, एडिटेड, रिपोर्टेड, रोट, एनर्जाइज्ड, रिसर्च से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, तो ये सारे कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है अगर आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो तो। इसके बाद में आपके पास में रिज्यूमे का सैम्पल है, रिज्यूमे का आप सैम्पल देख लीजिए, कैसे आपको बनाना है, क्या क्या चीज़ मेंशन होना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये जो ये रिज्यूमे का सैम्पल है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए कैसे कैसे बनाया हुआ है, क्या क्या चीज़ मेंशन किया हुआ है, क्या क्या आपको मेंशन करना है, वो सारा कुछ इसमें है, इंपॉर्टेंट में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हमारे पास में ऊपर में आपका एड्रेस और आपका मेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, ये आप चाहो तो मेन मतलब बीच में भी लगा सकते हो या इस साइड में आप अपने राइट साइड में भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो कि आपका बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए, सच एज अगर आपका नाम एक्स वाई जेड है तो आपका एक्स वाई जेड तीनों बोल्ड में ही होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद स्पेस, फिर जो आपका लास्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आपकी एजुकेशन, आपका जो सबसे पहले होगा आपका जो मेन, अभी आप जिस एजुकेशन में है, मीन्स जो आपका अभी जो परस्यू कर रहे हैं या जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो आपका सबसे ऊपर होगा, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका 12th होगा, उसके बाद उसके नीचे आपका 10th होगा, मीन्स मैट्रिकुलेशन होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे जो मतलब आप अपने अंडर ग्रेजुएट, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में आप क्या क्या किए हैं वो सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, मीन्स एज अ इंटर्न, एज अ ट्रेनी, या अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए हो तो वो सारा कुछ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही अगर उस चीज़ के बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट मेंशन कर दें, लाइक सपोज आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए हो, सपोज करो कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए हो, टेक्निकल इवेंट कॉलेज में ऑर्गेनाइज करवाए हो, तो टेक्निकल इवेंट किस फील्ड से रिलेटेड था और आपका उसमें रोल क्या था, ये आप दो लाइन में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में आपका लीडरशिप आता है, मीन्स आप आगे जा करके अभी जो जो चीज़ सीखे हो उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या करने वाले हो, वो सारा कुछ। उसके बाद में आता है आपका स्किल्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, स्किल्स एंड इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं, जैसे टेक्निकल स्किल आपके पास क्या है, लाइक प्रोग्रामिंग आता है, आपको मैटलैब यूज़ करने आता है, आर्डिनो यूज़ करने आता है, DBMS का बढ़िया नॉलेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बढ़िया नॉलेज है, ये आप टेक्निकल में यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेजेस, आप कौन कौन से लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हो, लाइक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, कन्नड़, फ्रेंच, जर्मन, आप कौन कौन से लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो, लाइक आपका इंटरेस्ट लाइक म्यूजिक, डांसिंग, मूविंग मीन्स ट्रैवलिंग, और जो भी है एक्स वाई जेड वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका, इतने में मतलब आपका टोटल कंप्लीट हो जाता है एक पेज में। अगर आप दूसरा पेज में लेकर के जा रहे हो तो दूसरे पेज में क्या क्या लिखोगे, ये एक्सपीरियंस के लिए है, वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर दे रहा हूँ, जितने भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके साथ में क्या क्या होगा। उसके बाद में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, लाइक अभी मैं दिस कंपनी में हूँ और फिर आगे मतलब इसके पहले मैं दिस कंपनी में था, वो आपका टोटल टाइम पीरियड, आपका इंक्रीमेंट, मतलब मैं इस कंपनी में था तो मेरा प्रमोशन हुआ था, लाइक इस पोस्ट पे से मैं इस पोस्ट पे गया था, वो सारा कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में आपका और अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो वो आप मेंशन कर सकते हो, कुछ टेक्निकल स्किल है या एक्स्ट्रा स्किल्स है जो कि आप दर्शाना चाहते हो, लाइक मैंने ये काम किया है, मैंने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया था अपने कॉलेज में, या अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, या कोई रिसर्च पेपर है, कोई पेटेंट है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो। आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो, लाइक मुझे बाइक राइडिंग का शौक है और मैं बाइक राइडिंग करते करते मतलब एक कोई रेस में पार्टिसिपेट किया और वहां पर मुझे फर्स्ट आया, तो ये सारा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो। ये आपका फुल 2 पेज का रिज्यूमे है, एज अ फ्रेशर आप 1 पेज का भी रिज्यूमे बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद मैं और आगे बताऊंगा,
सबसे पहले आप इस पेज को, मतलब टोटल 10 पेज का ये एक पीडीएफ है, इसको आप मतलब देख लेना। ये आपको देखना कैसे है, इसके बाद में आपका कवर लेटर है, इफेक्टिव कवर लेटर आपका कैसे होना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना है हार्वर्ड रिज्यूमे टिप्स, और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है आपको। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में आपका ये पेज खुल जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रिज्यूमे बिल्डर के बारे में, मतलब आप अपना रिज्यूमे बना कैसे सकते हो श्री रिज्यूमे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, जैसे आप सपोज करो कोई भी आप एक रिज्यूमे सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो जैसे मैंने ये रिज्यूमे सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एज अ फ्रेशर या एज अ इंटर्न, एज अ एंट्री लेवल, एज अ स्टूडेंट आपको काम करना है। जैसे फ्रेशर का आप यहाँ पे एक्सपीरियंस दे रहे हो, फ्रेशर का आप चाहते हो, यहाँ पे आप अपना फील्ड सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे अपना जॉब सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद में आप नीचे नेक्स्ट कर दोगे। तो इसी तरह से आगे बढ़ के ये आपका टोटल रिज्यूमे क्रिएट कर देगा। एक चीज़ मैं आपको बताना है और चाहता हूँ कि आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल जरूर मेंशन करिए अपने रिज्यूमे में, ताकि वो रिज्यूमे और ज़्यादा इफेक्टिव रह गए, और ज़्यादा अगर आप हैकर रैंक, कोडर थे, या मतलब कुछ भी अगर आप यूज़ करते हो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, जो कंपनी के लिए आपको और ज़्यादा, मतलब अगर कोई टेक कंपनी है, कोई आईटी फील्ड का कंपनी है, तो उसके लिए और ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में हमारे पास में एक और आता है जो ऑप्शन, वो हमारा ऑप्शन है गूगल डॉक पर से रिज्यूमे बनाने का। यहाँ पर रिज्यूमे का आप देख सकते हो ऑप्शन आ जाता है गूगल डॉक पर, तो यहाँ से भी आप एक बहुत इजी और बहुत बढ़िया रिज्यूमे बना सकते हो। सबसे पहले आपका नेम यहाँ पे, उसके बाद आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके बाद में आपका मेल आईडी, आपका स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद में आपका एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद में आपके अवार्ड्स, मीन्स आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थे वो। तो ये डॉक्यूमेंट, मीन्स ये रिज्यूमे आप एक गूगल डॉक से बना सकते हो, एक श्री रिज्यूमे से बना सकते हो, और तीसरा है आपके पास में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया हुआ बिल्कुल नया और अपडेटेड रिज्यूमे आप कैसे बना सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको यूज़ करना है। चाहो तो आप सुपर सेट का भी रिज्यूमे यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया रिज्यूमे होता है। एक चीज़ बस मेंशन करना चाहूँगा, जो नॉलेज आपके पास में बढ़िया से है बस उसी चीज़ को आप मेंशन करिए, अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप उसको मेंशन मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।